आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन हुआ है क्रैश राजस्थान के हनुमानगढ़ में, MiG-21 क्रैश हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर, इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है राजस्थान के हनुमानगढ़ में, MiG-21 क्रैश हुआ है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे, हनुमानगढ़ में वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है, बड़ी खबर आ रही है, इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है, बड़ी घटना सामने आई है, एक बड़ा हादसा राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 के क्रैश होने की खबर आ रही है। हनुमानगढ़ में एक घर पर गया है वायुसेना का ये MiG-21। राजस्थान के हनुमानगढ़ में वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है, बताया जा रहा है कि एक घर पर ये विमान गिरा है। इस घटना की वजह के बारे में अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो ये कि इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट हुआ है क्रैश राजस्थान के हनुमानगढ़ में, MiG-21 के क्रैश होने की खबर आ रही है, एक घर पर गिरा है ये MiG-21। राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 के क्रैश होने की खबर आ रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है राजस्थान के हनुमानगढ़ में, ये बड़ी घटना देखने को मिली है, MiG-21 क्रैश हुआ है। इस घटना के पीछे की वजह के बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है, हालांकि इसमें जो लोग सवार थे उनके बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आई है वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल खबर है कि हादसे में एक पायलट सुरक्षित है, एक ग्रामीण की मौत हो गई है। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रखते हैं। लाल सिंह, क्या अपडेट फिलहाल इस बड़ी घटना को लेकर, इस हादसे को लेकर? हाँ देखिए, बिल्कुल ये बड़ी घटना है, क्योंकि रिहायशी इलाके में MiG-21 क्रैश हुआ है। हालांकि पायलट और पायलट दोनों ने समय रहते अपनी जान बचा ली, लेकिन अभी तक जो सूचना मिली उस आधार पर एक महिला और एक पुरुष की मौत की सूचना सामने आ रही है, क्योंकि मकान के ऊपर मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, उस दौरान वो दो लोग मौजूद थे, उन दोनों की मौत की खबर हो रही है, सामने आ रही है। बाकी इनपुट है वो भी हम सबको बताएंगे, लेकिन ये बड़ी घटना हुई है, MiG-21 क्रैश हुआ है। उससे पहले भी कई घटना राजस्थान में इस तरह देखने को मिली है, लेकिन ये संभवतः लंबे समय बाद पहली घटना हुई है कि आबादी वाले क्षेत्र में किसी मकान पर MiG-21 क्रैश हुआ, जिसके चलते आम लोगों की मौत की सूचना अभी मिल रही है। बिल्कुल, तो एक बड़ी खबर, इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट प्लेन क्रैश हुआ है रिहायशी इलाके में, एक घर पर ये प्लेन गिरा है, और इस वक्त ये बड़ी खबर, पायलट और को पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन एक ग्रामीण की मौत की खबर आ रही है। हालांकि जल्दी होगा शायद लाल सिंह जानना, लेकिन फिर भी अगर कुछ जानकारी वजह को लेकर पता चल पाई हो। देखिए बिल्कुल, क्योंकि वजह भी दोनों जो पायलट है वो सकुशल बाहर आ गए हैं, बच गए, तो निश्चित रूप से बता पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल निकल कर आता है, हमें अभी हमारी बात हुई है डिफेंस ग्रुप में जिसमें जुड़े हुए हैं, चाहे सूचना बताई उनकी तरफ से, उनका ये कहना है कि तकनीकी खराबी की वजह सामने आ रही है, लेकिन पूरी तरह से ये जांच का विषय है क्या वजह रही क्या वजह नहीं रही। चूंकि रिहायशी इलाके में गिरना अपने आप में गंभीर बात है, अक्सर देखने में ये आता है कि पायलट में रहते जो फाइटर प्लेन होता है उसको रिहायशी इलाके से बाहर ले जाने में सफल हो पाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं निकाल पाए, चूंकि जो मकान गिरा वो बिल्कुल नाली के पास बना हुआ है, हनुमानगढ़ के बहलोल की घटना है, और चूंकि रिहायशी इलाके में गिरा है तो निश्चित रूप से छानबीन गंभीर होगी और उसके बाद ही जो कारण है वो सामने आएंगे। जी चलिए, तो तकनीकी दिक्कत हो सकती है, हालांकि ये पूरा मामला जांच का विषय है, इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। लाल सिंह फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।